अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से अपने घर मनाली पहुंच गई हैं, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे के घमंड को खत्म करने की उनकी मुहिम जारी है। मनाली पहुंचकर एक बार फिर कंगना शिवसेना पर गरजी हैं। इस बार अभिनेत्री कंगना रनौत के निशाने पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। दरअसल सही मायनों में कंगना और शिवसेना के बीच लड़ाई भी आदित्य की वजह से ही शुरू हुई थी। सुशांत की हत्या के बाद कंगना ने उद्धव के बेटे आदित्य और सांसद संजय राउत को निशाने पर लिया था, जिसके बाद शिवसेना भड़क गई और एक बार फिर कंगना ने आदित्य को टारगेट किया है। कंगना ने आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफियाओं और उनके ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। इन लोगों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी करते हैं। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। मेरा सबसे बड़ा अपराध है, इसीलिए ये मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ये कंगना का सबसे लेटेस्ट हमला है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सिन्हा नहीं होती, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती। पब्लिक और मीडिया को न्याय के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही हैशटैग में उन्होंने शेम ऑन महाराष्ट्र सरकार भी लिखा। कंगना महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद थी कि कंगना मनाली लौटकर शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। देखना होगा कि शिवसेना और कंगना के बीच लड़ाई कब तक चलती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। शिवसेना पहले से ही बदनाम पार्टी है और गुंडागर्दी के लिए महाराष्ट्र में फेमस है, लेकिन कंगना ने शिवसेना की लड़ाई में कांग्रेस को घसीट लिया है। कंगना अपने ट्वीट में सोनिया सिन्हा जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ गई है। हालात वैसे हो गए हैं कि कांग्रेस गठबंधन की मजबूरी को समझते हुए कुछ बोल नहीं पा रही है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के नेता संजय निरुपम लगातार शिवसेना पर हमला करते रहते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेसी चुप है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी चुप्पी साधी हुई है। अंदर खाने अब ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कहीं ये मामला महाराष्ट्र में कांग्रेस की लुटिया न डुबो दे। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से ही कांग्रेस की तुलना में एनसीपी को ज्यादा महत्व मिल रहा है। ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कई बार बंद कमरे में कोई निर्णय ले लेते हैं, जिसकी कांग्रेस मंत्रियों तक को खबर नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री इस पर अपना विरोध भी व्यक्त कर चुके हैं। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई के मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के मंत्रियों से जल्दी बात नहीं करते, उनका फोन भी नहीं उठाते, जबकि मौजूदा परिस्थिति में सरकार को संकट से उभारने में कांग्रेस के अनुभवी मंत्री काफी सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि कांग्रेस बाहर से तमाशा जरूर देख रही है। देखना होगा, इतनी किरकिरी होने के बाद भी कांग्रेस गठबंधन में रहती है या सोनिया गांधी महाराष्ट्र पर कुछ बड़ा निर्णय लेती है, क्योंकि इस गठबंधन से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल खुश नहीं है। और कंगना प्रकरण के बाद से तो मामला और बिगड़ गया है। कांग्रेस की बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आगामी बिहार चुनाव में उसको नुकसान हो सकता है। वहीं कंगना के गृह राज्य हिमाचल में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सकता है। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब कांग्रेसी नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि शिवसेना के हालिया तेवर से पार्टी की लुटिया पूरी तरह न डूब जाए। ऐसे में शिवसेना और उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जारी विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना छत्रपति शिवाजी के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है, आगरा में मुगलों की विशेष उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दिया है। ये आदेश उन्होंने आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिया है। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करती है और ऐसी किसी भी चीज से परहेज किया जाएगा जिससे गुलामी की बू आती हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मुगल हमारे नायक कैसे हो सकते हैं? छत्रपति शिवाजी का नाम राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना का संचार करेगा। अब योगी का ये फैसला महाराष्ट्र के रण में भी पहुंच गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और कंगना रनौत ने योगी की जमकर तारीफ की है। इस बाबत फडणवीस और कंगना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट पर रीट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा था कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जय जिजाऊ, जय शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा में मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय रखने के फैसले का कंगना रनौत ने समर्थन किया है।
उन्होंने अपने पूर्वजों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से बताया है। कंगना ने लिखा कि जिस तरह से महान नेता बाला साहेब ठाकरे के पूर्वज बिहार से आते हैं, उसी तरह कई थ्योरीज में महान शिवाजी महाराज का संबंध जयपुर के राजघराना से भी बताया गया है। मैं हिमाचल में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे पूर्वजों रनौत का संबंध उदयपुर से है। हमारी कुल देवी माँ अंबिका है। हालांकि योगी जब से सीएम बने हैं, वो मुगलों के नामों को हर जगह से मिटा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया है। वहीं इलाहाबाद को प्रयागराज, इसके अलावा भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं। लेकिन इस बार योगी के नाम बदलने का टाइमिंग खास है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव और कंगना के बीच जंग छिड़ी हुई है और योगी ने इसमें छत्रपति शिवाजी की एंट्री करा दी है। महाराष्ट्र में पूर्व सैनिक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सैनिक ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन शर्मा पहले उद्धव सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और शिवसैनिकों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। मदन शर्मा ने सीएम उद्धव ठाकरे का इस्तीफा भी मांगा था। हालांकि मामला इतने से भी खत्म नहीं हुआ है। मदन शर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले और उनसे न्याय की मांग की है। राज्यपाल से मिलकर निकले मदन शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को हटाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर बीजेपी में होने का आरोप लगाकर पीटा गया था, लेकिन अब आज से वो बीजेपी और आरएसएस के साथ है। मदन शर्मा ने राज्यपाल को बताया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराएं कमजोर हैं। पूर्व नौसैनिक ने बताया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्यपाल भी शिवसेना की इस गुंडागर्दी को लेकर केंद्र सरकार से बात करने वाले हैं। दरअसल मदन शर्मा ने महज एक कार्टून शेयर किया था, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। हमले में मदन शर्मा के चेहरे और आंखों में गहरी चोट आई है। पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। वहीं इस मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया था कि ये भी सोचना चाहिए कि आखिर शिवसैनिक क्यों भड़के। संजय राउत मामले में शिवसैनिक की गलती भी मान रहे थे। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात कर पूर्व नौसैनिक अधिकारी ने शिवसेना के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे की फौज को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने का जिम्मा उठाया है। अर्णब हर रोज अपने शो पूछता है भारत में उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर बरसते हैं। सुशांत की हत्या और उसके बाद कंगना का ऑफिस टूटने के बाद से ही अर्णब काफी गुस्से में है और उनके गुस्से का शिकार होते हैं उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत। गोस्वामी पर ऐसे आरोप लगे कि वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इसके बाद तो अर्णब गोस्वामी और भी गुस्सा हो गए। बीते दिनों डिबेट के दौरान अर्णब गोस्वामी ने कहा कि दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशांत केस में आवाज उठाकर मैं एजेंडा चला रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहा हूं। आज मैं इन लोगों को जवाब देता हूं कि मेरा एक ही एजेंडा है, जो है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या का सच सामने लाना। मैं चाहता हूं कि इसका कनेक्शन सामने आए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपना भरोसा बनाए रखिए और रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े रहिए। वहीं अर्णब गोस्वामी प्रतिद्वंदी चैनल आज तक पर निशाना साधते हैं। अर्णब गोस्वामी आज तक पर निशाना साधते हुए कहते हैं, सुशांत केस में जितना अहम दिशा सालियान वाला एंगल है, उतना ही अहम ड्रग्स वाला एंगल भी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 8 तारीख को और 13 तारीख को क्या हुआ उस बात को हम भूल जाएंगे। ये तक वाले ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सुशांत के केस में असली जांच सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर ही होगी। हालांकि अर्णब जो देश के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं, वो कब आएगा इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।